ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग वन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग वन बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है भैया, तो इसलिए ध्यान समझोगे एक बार में आपको समझा देगा। ठीक है भैया, तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग वन याद ही भैया, लिखने का टाइम भी दूंगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग वन टॉपिक बहुत आसान है। आपको याद है कि आपका अगर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स को चेंज को अपोज करती है कोई, और कुछ अपोज करने के लिए उसको करना पड़ता है पोलैरिटी, और जहां पोलैरिटी वहां पर ईएमएफ, जहां पोलैरिटी वहां पर ईएमएफ। ये तो इसी को हम कहते हैं भैया मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग। तो भैया अगर आपका फ्लक्स वेरिएबल है, क्या है तो वेरिएबल, जहां पर फ्लक्स रहेगा वहां पर क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। क्या आएगा भैया? और जहां पर फ्लक्स क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो वहां पर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी भैया? जीरो। क्या होगी भैया? जीरो। तो वेरिएबल फ्लक्स किसकी, वेरिएबल फ्लक्स की वजह से क्या था भैया? इंड्यूसिंग वन। क्या था भैया? ठीक है, तो अब वेरिएबल फ्लक्स तो हम जानते भी नो, वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स by different way। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया कि हम जानते हैं भैया कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते भैया, चेंज कर सकते। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है भैया? बी ए कॉस थीटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फ्लक्स, जो फ्लक्स है आपका वो किसके डायरेक्टली है भैया? मैग्नेटिक फील्ड के। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बताओगे तो बढ़ेगा। अगर ये वेरिएबल है तो ये भी क्या होगा, दूसरा फ्लक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या भैया, एरिया। अगर ये वेरिएबल है तो ये भी क्या होगा भैया, वेरिएबल। अगला फ्लक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू कॉस थीटा। अगर ये वेरिएबल है तो ये भी क्या होगा भैया, वेरिएबल। ये भी क्या होगा भैया, वेरिएबल होगा। तो अगर ये वेरिएबल है तो इसको अपोज करेगी कॉइल, और अपोज करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, ये भी फ्लक्स। अगर वेरिएबल है तो उस वेरिएबल फ्लक्स को, वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या आता भैया, फोर अपोजिंग दी चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कौन आता भैया, ये मैं बताता। फ्लक्स वेरिएबल रहेगा तो उसको अपोज करने के लिए क्या आएगा भैया, ये मैं बताता। तो अगर ये, अगर हम इन तरीके को इसको चेंज करेंगे तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये चेंज होगा तो भैया क्या होगा, कॉइल अपने अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ लाती है जो कि क्या कहते हैं, फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। तो भैया पहला जो मेथड है उसे कहते हैं भैया, फर्स्ट मेथड कहते हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज है ना। पहले केस में हमने क्या किया भैया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से क्या है भैया, ईएमएफ आया। तो भैया आपको याद है ये कॉइल थी, कॉइल के पास में अगर आप नॉर्थ पोल को ले आते थे तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती, इससे पास करती थी। अगर पास में ले आ रहे हो, इसको पास में ले आ रहे हो, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती थी, इंक्रीज। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती तो फ्लक्स भी क्या होता था भैया, इंक्रीज। और ये इंक्रीज हो रहा फ्लक्स किसके द्वारा अपोज किया था, कॉइल के द्वारा। ठीक है, अपोजेस बाय डेवलपिंग सेम पोलैरिटी डेवलप कर लेते, नॉर्थ पोल जा रहे इसको रोकना यहीं पे, ये पास आएगा तो और फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसलिए यहीं पे रोकना है। रोकना तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ पोलैरिटी। और जहां पे नॉर्थ पोलैरिटी वहां पे क्या था भैया, करंट क्या था भैया, इंडिगो वाइज करंट आया। तो यहाँ पर जो आपका करंट आया किस वजह से है भैया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक। अब दूसरा देखिए भैया, आप कॉइल को क्या कर रहे थे भैया, आप मैग्नेट को क्या कर रहे थे, दूर ले आ रहे थे।
आप मैग्नेट को दूर ले आते, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया, डिक्रीज कर रही थी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी क्या करेगा भैया, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स भी क्या करेगा, कॉइल के ऊपर अपोज किया जाएगा, तो चेंज है ना, ये डिक्रीज भी क्या हो रहा है, चेंज, ठीक है, अपोज बाय कॉइल बाय डेवलपिंग अपोजिट पोलैरिटी डेवलप करके ये फर्दर फ्लक्स के चेंज को अपोज किया है, यहाँ पे क्या भैया साउथ पोलैरिटी, और जब साउथ पोलैरिटी में करंट कैसे आएगा भैया, क्लॉकवाइज, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने देखा भैया, हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज में से क्या भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको अपोज करने के लिए क्या गया एनडीयूजी को, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो भैया फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा, अब फ्लक्स कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज को अपोज करने के लिए कौन आएगा भैया, साउथ पोलैरिटी, ठीक है, साउथ पोलैरिटी क्या आएगी, अपोजिट पोलैरिटी, और फिर क्या आएगा, करंट आएगा भैया। तो ये प्रोसेस क्या होता है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करें भैया, इंड्यूसिंग ऑफ डेवलप, ठीक है भैया। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं भैया, दूसरा मेथड है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भैया दूसरा मेथड है, दूसरा भैया बाय चेंजिंग एरिया, पहला मेथड हो गया बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज को अपोज करेगी कॉइल, समझ गया, तब आएगा क्या इंड्यूस ईएमएफ। अभी हम कर रहे हैं भैया सेकंड मेथड, हो गया, इस संडे को भैया एक क्लास होगी जिसमें सेकंड चैप्टर पूरा खत्म कराऊंगा, सेकंड चैप्टर, हाँ, एक क्लास में डेढ़ घंटे की क्लास, ठीक है, डेढ़ घंटे की, अच्छा उसका नहीं, केवल थ्योरी, वन शॉर्ट क्लास, ये भैया पूरा सेकंड चैप्टर खत्म कर दूंगा, पता फोर को करा रहा हूँ, आठ बजे वाले बच्चों, हाँ सुबह आठ से लेकर दस बजे के बीच में, और देखिए भैया सेकंड मेथड बाय चेंज, बाय सेकंड मेथड क्या भैया, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ दी कॉइल, कॉइल का एरिया चेंज कर दो, या बाय चेंजिंग एरिया वो कॉइल को जोड़ दो। आपको याद है भैया मैंने परसों एक टॉपिक कराया था जिसमें मोशनली में बताया था आपको, क्या था, तो आपने क्या किया था, एक आपका वो था आर्म थी जिसकी लेंथ क्या थी भैया एल थी, उसको आप इधर बी वेलोसिटी से ला रहे थे, क्या कितनी वेलोसिटी से, तो भैया उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया था, कितना किया था, इतना डिस्प्लेसमेंट, तो इतना ही क्या हुआ एरिया चेंज हुआ, इसके अंदर का इतना एरिया दिखेंगे दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये सटर है, ठीक है भैया सटर देखा हमने, सटर तो सटर नीचे करोगे तो एरिया क्या होता है सटर का, बढ़ जाता है, फ्लक्स भी क्या बढ़ेगा, और नीचे करोगे तो और एरिया बढ़ जाएगा, फ्लक्स क्या होगा और बढ़ जाएगा, एकदम नीचे कर दोगे तो क्या होगा एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, और फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा ऐसे सटर को ऊपर उठाओगे तो एरिया क्या होगा उसका, फ्लक्स क्या होगा और कम करोगे उठाओगे तो क्या होगा एरिया बिल्कुल सेम, ऐसे कि आप एक सटर को ऐसे नीचे ला लो, तो आप नीचे लाए यहाँ पे टाइम क्या था डी, और यहाँ पे टाइम क्या होगा डी प्लस, तो यहाँ से आते करने में टाइम कितना लगा, यानी इतना एरिया जो चेंज हुआ कितना टाइम में चेंज हुआ है, अगर यहाँ पर टाइम डी था इस पॉइंट पर, जब यहाँ पर था ये आर यहाँ पर था तो टाइम क्या था भैया डी, और जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो टाइम कितना हो गया डी प्लस, यानी यहाँ पे यहाँ से आते करने में टाइम कितना लगा, यानी एरिया जो चेंज हुआ कितने टाइम में चेंज हुआ डेल्टा के टाइम कितने में चेंज हुआ भैया, तो अच्छा इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, जो एरिया चेंज हुआ है ये क्या है चेंज इन एरिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लंबाई गुणे में जितना एरिया है, तो लंबाई कितनी भैया एल, और चौड़ाई कितनी हो रही इसमें डेल्टा एक्स, यानी जो सेंटर का एरिया चेंज हुआ इतना ही चेंज हुआ, अभी जो चेंज हुआ एरिया है वो कहां रखा गया भैया मैग्नेटिक फील्ड में, कहां रखा गया भैया, अच्छा जब भैया एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया के थ्रू ही क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हो तो क्या होता है फ्लक्स आता है, अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा
इंड्यूस क्या कर लिया इंड्यूस तो भैया यहां पर एरिया चेंज है ड्यू टू चेंज इन एरिया चेंज इन एरिया फाई क्या हो रहा भैया चेंज हो रहा है फाई चेंज हो रहा था क्या व्हिच कॉज़ दी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हेलो भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसी से क्या था भैया ईएमएफ आता है तो ईएमएफ होता क्या भैया चेंज इन फ्लक्स अपॉन में एक होता है चलेगा डेल्टा फाई क्या होगा भैया तो आपको पता है डेल्टा फाई चेंज क्यों हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से नहीं एरिया के चेंज होने से अच्छा बता दूं यहां पर बी क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एल क्या है आर्म लेंथ क्या है आर्म लेंथ ये भैया अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है एरिया के बी फाई डेल्टा फाई है वो किसकी वजह से है डेल्टा ए की वजह से अच्छा पीछे क्या है कॉस अच्छा बताओ भैया मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है और एरिया कहां हम देख रहे हैं बाहर से देख रहे हैं ऊपर से तो नॉर्मल क्या होगा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अंदर की तरफ जब मैग्नेटिक आपको पता ना भैया एरिया नॉर्मल होता है हमेशा ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में होता है तो आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो नॉर्मल इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया अंदर है एंगल कितना होगा 180 डिग्री और आपको पता है डेल्टा ड्यू कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कॉस 180 क्या होता है माइनस है और ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ये आपका b delta a की वैल्यू क्या रखी भैया l delta x अपॉन में क्या हो गया delta t ये जाएगा e cos में b l और delta x अपॉन delta t क्या होता है भैया वेलोसिटी ये भैया ये हो गया भैया इसे मोशनल एनर्जी भी कहते हैं मोशन के साथ है क्या नॉर्मली आपका क्या भैया बाय चेंजिंग एरिया प्रोडक्शन ऑफ चेंजेस ठीक है भैया ठीक है रन फॉर वेक्टर मतलब बहुत लागू चीज है देख लिए भैया जल्दी से फटाफट इसका मतलब क्या भैया बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल आपको कॉइल को रोटेट करना है यानी कॉस थीटा चेंज करना है क्या करना है फ्लक्स क्या होता है भैया बी ए कॉस थीटा हमने बी चेंज कर लिया ए चेंज कर लिया अब क्या करना है कॉस थीटा को चेंज करना ठीक है भैया लिख दिया भैया बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल ध्यान दीजिए भैया आसान है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल ए, तो भैया आप ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो कॉइल को मतलब उसको घुमा रहे हो ऐसे देखिए भैया ये आपका क्या भैया कॉइल है ये क्या भैया कॉइल का एरिया नॉर्मल है ये क्या भैया मैग्नेटिक फील्ड है और ये किसी भी इंस्टेंट पर क्या भैया एंगल है क्या है अच्छा जो आपकी कॉइल है वो इस तरीके से रोटेट कर रही है गांधी जी भी इस कॉइल पर ही देखते सामने से ये आपकी ये क्या है साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ आएगी ठीक है भैया अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम अभी हमने क्या किया इसको ही के ओरिएंटेशन को चेंज किया फ्लक्स क्या हो रहा है कम हो रहा है अब क्या हो फ्लक्स जीरो क्यों क्योंकि भैया नॉर्मल ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो भैया फिर कॉइल घूम रही है फ्लक्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है भैया तो ये लगातार आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते रहोगे लगातार का फ्लक्स चेंज होता रहेगा और फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या आएगा इंड्यूस अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए आपका क्या है फ्लक्स क्या है अभी नॉर्थ गेरा साउथ गेरा मेरी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करी है और मतलब फ्लक्स क्या है मैक्सिमम है जैसी कॉइल मुड़ी तो फ्लक्स क्या हुआ कम हो गया अब फ्लक्स कम हो गया तो कॉइल को पसंद नहीं है चीज तो उसको अपोज करने के लिए क्या रहेगी ईएमएफ और कम हो गया फ्लक्स और बड़ा और कम फ्लक्स और बड़ा
जीरो फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम। यानी जब आपका फ्लक्स जीरो आता है तो ईएमएफ क्या होता है भैया, मैक्सिमम। अब देखिए अभी क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ वैल्यू का भी कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, जीरो भी जीरो से। जब फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा तो ईएमएफ जीरो, और जब ईएमएफ फ्लक्स जीरो रहेगा तो ईएमएफ। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अभी एंड है टोटल नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, कॉइल के अंदर कुल टर्न कितने भैया, एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, और बी क्या भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। और थीटा क्या है भैया, एंगल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल है, ये एंगल घटता और बढ़ता जाता है, ठीक है भैया। और ठीक है भैया, और ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। जिस इंस्टेंट पर एंगल थीटा था, क्या था, उस इंस्टेंट पर फ्लक्स क्या हुआ, तो फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल that angle, angle in between normal and magnetic field is theta. मैंने कहा भैया उस वक्त कितना flux होगा जब normal और magnetic field के बीच में, कितना angle होगा भैया, तो flux क्या होगा भैया, BA। लेकिन आपको पता coil consists with angle, तो क्या होगा भैया, बना cos theta हो जाएगा, and symmetric क्या कर दीजिए। आपको पता लगातार कॉइल घूम रही है, ये थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या भैया, इंड्यूसिंग में फर्क क्या है भैया, तो भैया ड्यू टू रोटेशन क्या है भैया, थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है, और कॉस थीटा चेंज हो रहा है तो क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या है, फ्लक्स चेंज। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस अच्छा यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या क्या है, अच्छा एक बात बता दो, ये कॉइल अगर रोटेट करेगी, कॉइल अगर रोटेट कर रही है तो इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या होती है भैया, और एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, क्या होता है भैया, देखिए ये कॉइल घूम रही है ना, तो घूमने की कुछ एंगुलर स्पीड होती है, तो वो एंगुलर स्पीड क्या होती है, डी थीटा अपॉन में डी टी, और उसको कहते हैं हम ओमेगा, भैया ठीक है, पता है आपको याद हो गया। अच्छा देखिए ये पूरी टर्म क्या है, ये पूरी टर्म क्या भैया, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए इसको, अंदर क्या चाहिए भैया, कॉस थीटा अपॉन में डी टी। देखिए यहां पर थीटा और टी मैच नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे ना, अगर मैच करते तो मैं लिख देता डायरेक्ट आंसर साइन थीटा, क्या लिखता, लेकिन यहाँ पर नीचे टाइम में ऊपर क्या थीटा, तो उसके लिए चेन रूल लगाते, क्या लगाते भैया, चेन रूल के हिसाब से भैया, अगर ये टी है, ये क्या है, तो इसको भी मैं क्या अज्यूम करता हूं, टी ही अज्यूम करता हूं, लेकिन लिखता नहीं हूं, रहेगा थीटा ही, लेकिन अज्यूम क्या कर रहा हूं भैया, मैंने मान लिया ये कॉस थी है, क्या है, तो भैया देखिए ये हो जाएगा माइनस बी एंड ए, और कॉस, अगर ये कॉस क्या है भैया, कॉस थी है, तो कॉस थी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन टी, क्या लिखूंगा, साइन टी, अज्यूम कर रखा है थीटा क्या टी है, अब किसको अज्यूम किया था मैंने, टी किसको अज्यूम किया था, तो चेन रूल के हिसाब से उसको दोबारा से क्या करो, डिफरेंशिएट करो, क्या करो, नवाब साइन थीटा, तो ये ईएमएफ आया है,
कब? जब आपकी कॉइल रोटेट कर रही, कब? जब आपकी कॉइल रोटेट कर रही। अब अच्छा इसमें लिखिएगा, ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है भैया? तो भैया अगर मैं बोलूं ईएमएफ जीरो है तो किसकी वजह से जीरो होगा? और ये मैक्सिमम है तो किसकी वजह से होगा? तो देखिए भैया, फोर पी मैक्सिमम साइन क्या होना चाहिए भैया? आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम आता है, मैक्सिमम मिनिमम को तीन और लिखते हैं क्या? उसमें आपका साइन क्या होता है? 90। साइन 90 क्या होता है? 1। क्या होता है? नवाब। क्या होता है भैया? जब आपका नवाब लिखा जाएगा तो इसका मतलब हो गया भैया मैक्सिमम ईएमएफ है। उस वक्त साइन की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम यानी 1। और अगर आप बोलेगा मिनिमम ईएमएफ तो साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट लिख दीजिए। जल्दी देख लीजिए, कहीं डाउट तो नहीं है? जल्दी देखिए, हो गया भाई? चलो भी आगे बढ़े, चलो भी आगे। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन की भी भेज दूंगा। ठीक है, देखिए भाई लोग प्लीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन पहला कह रहा है भैया ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया? ठीक है, मैं फोटो भेज दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा भैया एक कॉइल है जिसका एरिया क्या देखा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 300 × 10^-4 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? देखा और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया 3 × 10^-2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया कॉइल का। कह रहा भैया जितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से घूम कर रही है? 40 रेडियन पर सेकेंड। और कई बार ये भी लिखा होगा 40 पर सेकेंड। क्या लिखा होगा? क्योंकि रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, आप लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया तो ये दोनों ही ओमेगा। कह रहा भैया आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखी है 0.5 टेस्ला। क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न है 25। क्या है? 25। तो बोल रहा भैया कैलकुलेट मैक्सिमम ईएमएफ, कैलकुलेट मैक्सिमम ईएमएफ। तो भैया आपको पता है मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है भैया? नवाब। क्या होता है भैया? नवाब। तो एन कितना भैया? 25 है। डब्ल्यू क्या है भैया? 40 होगा।
एरिया क्या दिया 3 × 10^4 और मैग्नेटिक फील्ड क्या 0.05 टेस्ला। सॉल्व करोगे 1.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है भैया, ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फ्लैग कॉइल है, क्या है फ्लैग कॉइल जिसमें कुल नंबर ऑफ टर्न कितनी लिया 500, कितनी है 500 और एरिया जो दे रखा है कॉइल का जो दे रखा है वो है आपका 5 × 10^-3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है कुल नंबर ऑफ। अच्छा देखिए भैया इसमें कह रहा है भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखी है आपको 0.14 टेस्ला, कितनी रखी है 0.14 टेस्ला दे रखी है। एरिया कह रहा है कि ये कॉइल है, कॉइल एक बाहर के रेजिस्टर से भी जुड़ी है, ऐसा रेजिस्टर है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10 ओम और इस कॉइल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है भैया 5 ओम। ये क्या है भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये क्या भैया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है तो कह रहा है कैलकुलेट मैक्स। अच्छा इसके रोटेशनल स्पीड कितनी रखी है, रोटेशनल स्पीड यानी ओमेगा रखा है 150 रेडियन पर सेकेंड 150 रेडियन। तो भैया बोल रहा है भैया मैक्सिमम करंट निकालिए, क्या निकालिए तो मैक्सिमम करंट होगा कब, जब मैक्सिमम ईएमएफ होगा। अब करंट होता क्या ईएमएफ कूपन में, ईएमएफ कूपन में रेजिस्टेंस, तो करंट क्या होगा भैया मैक्सिमम करंट इन पोस्ट में मैक्सिमम ईएमएफ कूपन में मैक्सिमम सॉरी टोटल रेजिस्टेंस टोटल। तो आपको पता है ये कॉइल और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों किसमें सीरीज में, ठीक है भैया। तो ई नॉट क्या होगा नवाब और कुल रेजिस्टेंस क्या होगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो भैया नवाब एन क्या है भैया 500, ओमेगा क्या भैया 150, ए क्या है 1 × 5 × 10^-3 मैग्नेटिक फील्ड कितना कितनी है 0.14 टेस्ला। और देखिए भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना भैया 5 और एक्सटर्नल कितना भैया 10, सॉल्व कर लोगे मैक्सिमम करंट आ जाएगा। ठीक है पूछे अगला क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल में आता है, ठीक है याद रखिए। कहीं पर अगर आपका साइन लगा हो या कॉस लगा हो और वहां पे पूछे एवरेज क्या होगा, क्या पूछेगा इन अ कंप्लीट साइकिल, इन अ कंप्लीट साइकिल तो हमेशा साइन और कॉस का एवरेज कंप्लीट साइकिल सोचते हो, ये क्या भैया कंप्लीट साइकिल और कंप्लीट साइकिल में चाहे साइन की वैल्यू चाहे कॉस की वैल्यू एवरेज क्या रहा जीरो आएगा, क्या आएगा भैया जीरो, समझ गए भैया। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन की फोटो भेज दे रहा हूं मैं, ठीक है क्या है भैया। देखिए भैया कह रहा है एक एथलीट है जो ट्राई साइकिल चला रहा है भैया और जिसके अंदर जो पैडल मार रहा है पैडल जिसका लोहे का बना होता है ना भैया उसमें नंबर ऑफ टर्न कितनी भैया 100, कितनी है 100 और एरिया क्या है भैया उसका 0.1 मीटर स्क्वायर और जो रोटेटिंग स्पीड है रोटेटिंग स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा नहीं सुनी कह रहा भैया फ्रीक्वेंसी रखी है 50 आरपीएम, क्या है भैया आपको पता है फ्रीक्वेंसी आरपीएस में होती है आरपीएम में नहीं होती, तो हमने कहा 50/60 कर दिया क्या हुआ आरपीएस हो गया। अब इससे हमने ओमेगा निकाला तो ओमेगा का 2 पाई एफ की वैल्यू क्या भैया 5/6 ये हो गया रेडियन पर सेकंड, क्या आ गया भैया आपका ओमेगा आ गया, क्या आ गया एन ए ओमेगा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उसकी वैल्यू है 0.01 टेस्ला। ये भैया तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है भैया बताइए कि मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम ईएमएफ बताना है, क्या बताना है ई नॉट निकाल रहा है नवाब निकाल दो भैया एन ए डब्ल्यू दे रखा है भैया और समझ गया और उसके बाद कह रहे हैं एवरेज ही क्या होगा भैया एवरेज। तो आपको पता भैया जब आप एवरेज ईएमएफ की बात करोगे तो एवरेज ईएमएफ जब आप ईएमएफ को देखते हो उसमें क्या लगा होता साइन थीटा, क्या लगा होता भैया और कंप्लीट साइकिल में एवरेज ईएमएफ की बात कर रहा है कंप्लीट साइकिल में कहीं साइन थीटा लगा है कॉस थीटा लगा है और आपको एवरेज बोल रहा है तो उसका आंसर क्या हो भैया ये कैसे होगा, इसके लिए आपको एसी का वेट करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये भैया उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है भैया अगला क्वेश्चन देखिए भैया चलो भैया बाकी क्वेश्चन आपको ठीक है इतना ही करते हैं आज।
भाई भाई, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन भेज देना लोग आती